चेहरे की खूबसूरती उम्दा शख्सियत के तासुर को उभारती है। गोरी रंगत, झुर्रियों से पाक चेहरा, बेदाग स्किन बहुत खूबसूरत दिखाई देती है। लेकिन अगर इंसान बीमार हो जाए तो चेहरे की खूबसूरती मान पड़ जाती है। रंगत सांवली और कमजोरी से चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती है। रंगत गोरी और बेदाग स्किन के लिए मार्केट्स में बेशुमार क्रीम्स दस्तियाब हैं, लेकिन इन चीजों का खास फायदा नहीं होता। आज आपको एक ऐसा बेहतरीन टोटका बता रही हूँ जिसमें एक कुदरती फल के जरिए बीमारी की वजह से आपके चेहरे की खोई हुई रौनक बहाल हो जाएगी। चेहरे की खूबसूरती बढ़ाने के लिए ये फल मुझे बेहद पसंद है। अपने अक्सर टोटकों में मैं इसका इस्तेमाल जरूर करती हूँ क्योंकि ये जादुई खसूसियात से भरपूर कुदरत का एक अनमोल फल है। इसके इस्तेमाल से आपके चेहरे पर चमक, आपकी रंगत सफेद और कमजोरी के बायस पड़ने वाली झुर्रियां खत्म हो जाएंगी। इससे पहले कि मैं आपको आज के इस टोटके के इंग्रेडिएंट के बारे में बताऊं, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, नीचे लगे रेड सब्सक्राइब बटन को दबा दें और इसके साथ लगे बेल आइकन को लाजमन प्रेस करें ताकि आपको मेरी डेली न्यू वीडियोस सबसे पहले मिल सके। और इस टोटके में जो उम्दा इंग्रेडिएंट इस्तेमाल होगा वो है पपीता। आपने पपीते का गुदा लेना है 2 खाने के चम्मच। इसका तरीका इस्तेमाल ये है कि पपीते का गुदा लेकर इसको अच्छी तरह पीस लें और चेहरे पर लगा लें। स्टार्ट में हल्का सा मसाज करना है आपने। 15 मिनट तक इस गुदे को चेहरे पर लगाएं, फिर आप अपना चेहरा ताजा पानी से धो लें। पपीते के अंदर एक ब्यूटी इंग्रेडिएंट पापेन पाया जाता है जिसमें स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज मौजूद होती है। ये चेहरे से दानों के निशान, झुर्रियां और दाग धब्बे खत्म करता है, डेड स्किन सेल्स को भी दूर करता है। कम से कम 2 हफ्ते तक आपने ये नुस्खा इस्तेमाल करना है। बाज़ औक़ात किसी बीमारी की वजह से या जिस्मानी कमजोरी से चेहरा कमजोर, बूढ़ा और झुर्रियों से भरा दिखाई देता है। इंसान की सारी खूबसूरती मान पड़ जाती है। इस अमेजिंग टोटके की बदौलत न सिर्फ चेहरे से तमाम शिकनों और झुर्रियों का खात्मा होगा, साथ ही चेहरा भरा भरा और दिलकश लगेगा। आप अपनी उम्र से कम दिखाई देंगे। इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना, और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे? तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुँचती।